सबसे पहले मैं अपना नाम बतला दूं, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूं। मामला क्या है, बिजली विभाग हमेशा मौत का तांडव मचाए हुए है, क्योंकि जो गाँवों में गरीब लोगों के बच्चे हैं बेचारे, उनको यहाँ पर तैनात संविदाकर्मी या जो पक्के वाले लाइनमैन हैं, वो हर गांव में उन्होंने एक दो लोग ऐसे तैनात कर रखे हैं, उनको बेचारों को शटडाउन लेकर खंबे पर चढ़ा देते हैं, और खंबे पर चढ़ाने के बाद में लाइन वाइन उनसे सही कराते हैं, और उसकी एवज़ में उन बेचारों को 50 रुपये 100 रुपये मिल जाते हैं। तो ये बिजली विभाग ने तांडव मचाया। अभी एक भोट बिजली घर का मामला है, वहाँ पर एक मोनागर गाँव है, उसमें रहने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा अमीर दूल्हा, उसको वहाँ पर तैनात संविदाकर्मी गोपाल हैं कोई, उन्होंने चढ़ा दिया खंबे पर, और खंबे पर चढ़ाने के बाद में बोल दिया कि शटडाउन है, आप चढ़ जाइए। वो चढ़ गए, और चढ़ने के बाद में जैसे ही उन्होंने लाइन सही करना शुरू की, वहाँ पर तैनात SSO जो बिजली की लाइन लगाते हैं, उन्होंने तुरंत लाइन लगा दी, जिसकी वजह से वो खंबे पर से गिर गया। उसकी क्योंकि ज़िंदगी थी, वो गिरने के बाद में उसकी कमर की दो हड्डियाँ जो होती हैं रीढ़ की, वो टूट गई। उसको परिवार वाले तुरंत जिला अस्पताल लेकर आए, जिला अस्पताल में लाकर जब उनको देखा तो डॉक्टरों ने सीटी स्कैन वगैरह कराया, सीटी स्कैन में उनकी दो डिस्कें स्लिप आई हैं, और उसकी नस जो होती है वो भी टूटी हुई आई है, जिसकी वजह से उनके नीचे के धड़ ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। यहाँ के डॉक्टरों ने उसको रेफ़र कर दिया बरेली, बरेली जब लेकर गए तो वहाँ पर अस्पताल के लोगों ने उसको पूरी तरह से जाँच पड़ताल करने के बाद में उसको बताया कि भाई ये कभी ठीक नहीं हो सकते। तो अभी हमने अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल रामपुर कार्यालय पर, जैसा कि आप देख रहे हैं हम हैं, हमने उनको ज्ञापन दिया है, और उसमें ये मांग की है कि उन लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जितने भी वहाँ पर तैनात संविदाकर्मी या JEE हो या मतलब कहते हैं SSO हो, अगर उनके खिलाफ़ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हम भोट बिजली घर का घेराव करेंगे और वहाँ पर बेमियादी धरने पर बैठेंगे। तब तक बैठेंगे जब तक कि अमीर दूल्हा के परिवार को इंसाफ नहीं मिलता। अभी SC साहब ने वहाँ के जो बिलासपुर के XCN साहब हैं उनसे बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अभी जांच करने के बाद में कार्रवाई करेंगे, अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो फिर बिजली विभाग के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता, जय जवान जय जवान। जी सबसे पहले मैं अपना नाम बतला दूं, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूं। मामला क्या है, बिजली विभाग हमेशा मौत का तांडव मचाए हुए है, क्योंकि जो गाँवों में गरीब लोगों के बच्चे हैं बेचारे, उनको यहाँ पर तैनात संविदाकर्मी या जो पक्के वाले लाइनमैन हैं, वो हर गाँव में उन्होंने एक दो लोग ऐसे तैनात कर रखे हैं, उनको बेचारों को शटडाउन लेकर खंबे पर चढ़ा देते हैं, और खंबे पर चढ़ाने के बाद में लाइन वाइन उनसे सही कराते हैं, और उसकी एवज़ में उन बेचारों को 50 रुपये 100 रुपये मिल जाते हैं। तो ये बिजली विभाग ने तांडव मचाया। अभी एक भोट बिजली घर का मामला है, वहाँ पर एक मोनागर गांव है, उसमें रहने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा अमीर दूल्हा, उसको वहाँ पर तैनात संविदाकर्मी गोपाल हैं कोई, उन्होंने चढ़ा दिया खंबे पर, और खंबे पर चढ़ाने के बाद में बोल दिया कि शटडाउन है, आप चढ़ जाइए। वो चढ़ गए, और चढ़ने के बाद में जैसे ही उन्होंने लाइन सही करना शुरू की, वहाँ पर तैनात SSO जो बिजली की लाइन लगाते हैं, उन्होंने तुरंत लाइन लगा दी, जिसकी वजह से वो खंबे पर से गिर गया। उसकी क्योंकि ज़िंदगी थी, वो गिरने के बाद में उसकी कमर की दो हड्डियाँ जो होती हैं रीढ़ की, वो टूट गईं। उसको परिवार वाले तुरंत जिला अस्पताल लेकर आए, जिला अस्पताल में लाकर जब उनको देखा तो डॉक्टरों ने सीटी स्कैन वगैरह कराया, सीटी स्कैन में उनकी दो डिस्कें स्लिप आई हैं, और उसकी नस जो होती है वो भी टूटी हुई आई है, जिसकी वजह से उनके नीचे के धड़ ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। यहाँ के डॉक्टरों ने उसको रेफ़र कर दिया बरेली, बरेली जब लेकर गए तो वहाँ पर अस्पताल के लोगों ने उसको पूरी तरह से जाँच पड़ताल करने के बाद में उसको बताया कि भाई ये कभी ठीक नहीं हो सकते। तो अभी हमने अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल रामपुर कार्यालय पर, जैसा कि आप देख रहे हैं हम हैं, हमने उनको ज्ञापन दिया है, और उसमें ये मांग की है कि उन लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जितने भी वहाँ पर तैनात संविदाकर्मी या JEE हो या मतलब कहते हैं SSO हो, अगर उनके खिलाफ़ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हम भोट बिजली घर का घेराव करेंगे और वहाँ पर बेमियादी धरने पर बैठेंगे। तब तक बैठेंगे जब तक कि अमीर दूल्हा के परिवार को इंसाफ नहीं मिलता। अभी
एससी साहब ने वहाँ के जो बिलासपुर के एक्सीएन साहब हैं उनसे बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अभी जांच करने के बाद में कार्रवाई करेंगे, अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो फिर बिजली विभाग के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता, जय जवान जय किसान।